साथियों, सूरज की रोशनी की तरह चांद की रोशनी भी हमारे मस्तिष्क पर काफी असर डालती है। और अगर चांदनी रात में जब हम घूमते हैं या टहलते हैं तो शरीर में एक अलग ही शीतलता का प्रभाव होता है। सोने पर सुहागा तब होता है जब घूमने के साथ साथ संगीत के तराने भी गूंज रहे हों। आज की गर्मी की रात को तो सावन के महीने ने बदल ही दिया है कुछ ठंडक के एहसास से। बारिश की बौछारों के साथ सभी के दिलों को राहत जहां मिली है, वहीं हम भी चांद की रोशनी जैसा ठंडा एहसास दिलाने वाले हैं कार्यक्रम मधुरिमा में, जहां आज हम बात करेंगे रात्रि के द्वितीय प्रहर यानी 7 बजे से रात के 10 बजे तक के समय में गाने बजाने वाले रागों की। ये खास बातें होंगी आप ही के पसंदीदा चैनल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर, और आज आपके साथ हूं मैं आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफर का, इस खूबसूरत से गीत के साथ, लता जी की मखमली आवाज में मधुमति का ये गीत।
राग बागेश्री पर आधारित मधुमती फिल्म से लता जी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। ताल थी इसकी द्रुत कहरवा ताल और सन 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। राग बागेश्री रात्रि के रागों में भाव तथा रस का स्रोत बहाने वाला एक बहुत ही मधुर राग है। काफी थाट से उत्पन्न राग बागेश्री रात के दूसरे प्रहर में गाया बजाया जाता है। सुनते हैं राग बागेश्री पर एक और गीत और सुनते हैं इसे बेजुबान फिल्म से। संगीतकार चित्रगुप्त, ताल दादरा और गायिका लता मंगेशकर। वैसे तो संगीत मानव के अंतर्मन से उत्पन्न एक अलौकिक ऊर्जा है, प्राणों की शक्ति है तथा परमात्मा के मिलन का एक लयात्मक सेतु है। संगीत की मधुर ध्वनियां, स्वर लहरियां किसे नहीं प्रभावित करती। इंसान तो क्या, सभी पशु पक्षी भी इसके अधीन है। संगीत के बिना सब कुछ नीरस सा लगता है और यकीन मानिए, संगीत नहीं तो हम भी नहीं। संगीत का यह जादू और जो राग हैं,
रागों को जब उनके निर्धारित समय पर ही जब सुना जाता है या गाया जाता है या बजाया जाता है वादन पर, तो उसका एक अलग ही समा बंध जाता है। आज हम मधुरिमा में बात कर रहे हैं रात्रि के रागों के बारे में। हमने बात की राग बागेश्वरी की, और अब आते हैं हम अगले राग पर, राग केदार। राग केदार कल्याण थाट से निकलता है। इसमें शुद्ध व तीव्र दोनों माँ लगाए जाते हैं। वादी व संवादी स्वर इसका है माँ यानी मध्यम, और संवादी स्वर सा को माना जाता है। सुनते हैं राग केदार पर आधारित एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गीत, जिसे अपने आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे कैसी जादूगरी की, अरे जादूगर कैसी जादूगरी की, अरे जादूगर तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। फिल्म घर, राग केदार, ताल कहरवा, संगीतकार हैं आरडी बर्मन, गायिका और गायक हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी। आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। मैं
जब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी रात्रि के द्वितीय प्रहर का अगला राग हमने लिया है आज राग हेमंत। राग हेमंत बहुत ही मधुर राग है। राग कौशिक ध्वनि के अवरोह में जब पंचम और ऋषभ स्वरों का भी उपयोग किया जाता है तब राग हेमंत की उत्पत्ति होती है। ये एक गंभीर वातावरण पैदा करने वाला राग है। सुनते हैं फिल्म बहुरानी का ये अगला गीत जो राग हेमंत पर ही आधारित है और इसके संगीतकार हैं सी रामचंद्र। कार्यक्रम मधुरिमा आज आपके साथ हूं मैं आप ही की दोस्त रूपा। नैन में
अगला राग है हमारा रात्रि के प्रहर का राग, जो दूसरे प्रहर में गाया बजाया जाता है, वो है राग बसंत। और दोस्तों, राग बसंत जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसे बसंत ऋतु में गाया बजाया जाता है। इस राग में बसंत ऋतु के अलावा श्रृंगार रस और विरह रस की बंदिशें दिखाई देती हैं। वादी स्वर है इसका सा और संवादी स्वर है पा। आइए सुनते हैं राग बसंत पर ही आधारित ये खूबसूरत सा गीत। लता जी और रफी साहब की आवाज में ये गीत हाथ की सफाई से। कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस ये ही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। Ah,
जी हाँ, लेकिन हमें अभी आपसे जुदा होना ही पड़ेगा। थोड़ी देर की विदाई है, फिर अगली बार फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी आपके साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। तब तक के लिए विदा दीजिए रूपा को।